हेलो एस्पायरेंट्स, 6 मार्च की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 13 न्यूज आइटम्स हैं जो हमने पिकअप किए, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है सिख शॉट एट इन वॉशिंगटन। तो ये तीसरा इंसिडेंट है वायलेंस का अगेंस्ट इंडियन अमेरिकन। तो जो पहला इंसिडेंट था वो हमने देखा कंसास शूटिंग में, जिसमें एक इंडियन अमेरिकन इंजीनियर, उनकी डेथ हो गई एंड द शूटर वहाँ पे उन्होंने चिल्लाया था गो बैक टू योर कंट्री। तो अभी सिमिलर इंसिडेंट यहाँ पे भी हुआ है। तो ये थर्ड इंसिडेंट है। सेकेंड इंसिडेंट हमने देखा था जिसमें एक इंडियन अमेरिकन शॉपकीपर को शूट कर दिया गया था, वहां पे भी डेथ हो गई। यहाँ पे ये इंजर्ड हुए थे एक इंडियन अमेरिकन, जिनको अगेन गनमैन ने शूटिंग करते हुए चिल्लाया गो बैक टू योर कंट्री। तो एट टाइम उन्होंने रिस्पॉन्ड किया दिस इज माई कंट्री, बिकॉज वो अमेरिकन नेशनल है, ही इज अ सिटीजन ऑफ यूएसए। तो वही यहाँ पे कंसर्न है कि ये इंसिडेंट्स राइज हो रहे हैं, एलिजेड हेट क्राइम्स, प्लस ये 3 इंसिडेंट्स में से 2 अमेरिकन नेशनल्स है, मतलब इंडियन ओरिजिन है पर वो अभी यूएस सिटीजन है। तो इंडियन गवर्नमेंट कितना रोल प्ले कर सकती है, बिकॉज एक्चुअली ऑन फेस ऑफ इट दे कैन नॉट टेक एनी एक्शन, उनका ज्यूरिसडिक्शन यहाँ पे आता नहीं है ज्यादा, लेकिन एटलीस्ट पुटिंग प्रेशर ऑन द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफकोर्स पॉसिबल है। तो वो यहाँ पे क्या स्टेप्स लेंगे वो देखेंगे। अगला न्यूज आइटम है एपी गवर्नमेंट वॉन्ट्स INS विराट टर्न्ड इनटू लग्जरी होटल। तो ये INS विराट इंडिया का ओल्डेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है, इंडियन नेवी का, तो ये शिप है और ये एयरक्राफ्ट कैरी कर सकती है, मतलब इट्स अ ह्यूज शिप। इसका आप वेट देखोगे तो इट्स 27,800 टन, मतलब 1 टन इज 1,000 kg। तो इसका इतना वेट है ये INS विराट, इट्स द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर इन सर्विस। तो ये ओरिजिनली ब्रिटिश नेवी के पास थी एज HMS होम्स, वहाँ 25 ईयर्स उन्होंने सर्व किया ये शिप ने, और उसके बाद मतलब 1959 टू 1984, उसके बाद 87 में ये कमीशन हुई इंडियन नेवी में आफ्टर रिफर्बिशमेंट। तो इसको रिफर्बिश किया गया, रिमॉडल किया गया, पूरा एनहांस किया गया एंड देन इंडियन नेवी ये यूज कर रही है। तो अब ये रिटायर हो गई है, तो INS विराट आफ्टर रिटायरमेंट इसको क्या करना चाहिए, तो देर आर प्रपोजल्स जो आए हैं। तो डिफेंस मिनिस्टर ने प्रपोजल्स इनवाइट किए थे और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ये प्रपोजल दिया है अभी कि इसको एक एंटरटेनमेंट हब में कन्वर्ट कर सकते हैं विशाखापट्टनम में। तो एक जॉइंट वेंचर हो गवर्नमेंट ऑफ AP और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में और ये स्टेप्स लिए जाए। तो अब ये प्रपोजल्स को कंसिडर किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो लास्ट एयरक्राफ्ट कैरियर थी, इंडिया की फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर थी INS विक्रांत, तो विक्रांत जब रिटायर हुई तो यहाँ पे फिर से वही सवाल आए कि इसका क्या करना चाहिए। तो इसके ऊपर प्रपोजल्स आए कि इसको म्यूजियम में कन्वर्ट करना चाहिए और ये प्रपोजल्स के ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया गया। इट वेंट बैक एंड फोर्थ और 17 साल तक ये नेवी के पास पड़ी रही। तो नेवी अभी भी कह रही है कि ये एक्चुअली इसको स्टेप्स लेने चाहिए इसको, क्योंकि अगर इसको हम डॉक करके रखेंगे तो ये स्पेस ऑक्यूपाई करती है और बाकी फंक्शनिंग के लिए ये स्पेस मतलब कंसर्न है। तो वो इसीलिए चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस पे डिसीजन लिया जाए, क्योंकि विक्रांत पे 17 साल तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया और फाइनली उसको स्क्रैप यार्ड भेज दिया गया इन 2014। तो वहाँ पे शिप को डिसमेंटल किया जाता है, उसके रिसोर्सेज जो उसमें से निकल सकते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स वगैरह जो भी उसके, वो रीयूज, रिसाइकल, रीयूज में काम आते। तो वो शिप यार्ड में ही फाइनली स्क्रैप यार्ड में वो पहुंची। तो अभी INS विराट का क्या फेट होगा, क्या वो भी स्क्रैप यार्ड ही भेजी जाएगी या कोई फ्रूटफुल उसके ऊपर प्रोजेक्ट इनिशिएट किया जाएगा, उसके ऊपर अब डिसीजन लेना बाकी है। तो ये है INS विराट। अगला न्यूज आइटम है सेंटर लॉन्चेस सर्वे ऑन गैंजेटिक डॉल्फिन्स। तो ये सेंटर ने एक फर्स्ट टाइम एक अक्रॉस द रिवर सर्वे इनिशिएट किया है कि गंगा रिवर में एक्वेटिक लाइफ का, एक्वेटिक एनिमल्स का पॉपुलेशन कितना है उसको एन्यूमरेट किया जाए। तो एंडेंजर्ड गैंजेटिक डॉल्फिन्स है, जो घरियाल्स है, इवन टर्टल्स जो है यहाँ पे, उनका नंबर एन्यूमरेशन किया जाएगा, कितना पॉपुलेशन है वो देखा जाएगा। तो ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इन्होंने ये सर्वे इनिशिएट किया है और ये कंडक्ट किया जाएगा बाय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो ये नमामि गंगे प्रोग्राम के अंदर ही ये किया जाएगा। तो गैंजेटिक डॉल्फिन जो है उसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल का स्टेटस भी दिया गया इन 2010। तो ये मैमल है और ये प्योर प्योरिटी ऑफ गंगा का रेप्लिका है, क्योंकि ये सिर्फ फ्रेश वाटर, प्योर वाटर में ही सर्वाइव कर सकती है। तो इसका पॉपुलेशन होना, सफिशियंट नंबर्स में होना, मतलब गंगा रिवर क्लीन भी है, उसका एक इंडिकेटर है। ये है गंगा रिवर, उसकी ट्रिब्यूटरीज और ये पूरा गंगा बेसिन बाउंड्री दिखाया गया है। तो स्टेट्स जो यहाँ पे उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल इन्वॉल्व है, बाद में गंगा जाती है बांग्लादेश में एंड देन इनटू
बे ऑफ बंगाल। तो काफी सारे प्रोग्राम्स इनिशिएट किए गए हैं फॉर क्लीनिंग रिवर गंगा। जो गंगा एक्शन प्लान था 1985 में राजीव गांधी गवर्नमेंट के अंदर इनिशिएट हुआ, उसके बाद उसके फेजेस भी आए काफी, गवर्नमेंट ने काफी इनिशिएटिव्स लिए 1985 से लेके भी अब तक अराउंड 6,855 करोड़ ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट कर चुकी थी। अब नमामि गंगे प्रोग्राम प्रेजेंट गवर्नमेंट ने जो इनिशिएट किया है वो आया है, तो इसके अंदर 40,000 करोड़ का पूरा बजट है, 20,000 करोड़ से इनिशिएट किया गया है 5 ईयर पीरियड के लिए। तो अब इसके अंदर क्या स्टेप्स लिए जाएंगे वो इम्पोर्टेंट है। इवन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास हम देख रहे हैं कि केस ट्रांसफर हुआ है सुप्रीम कोर्ट से, तो इतने सालों में इतना इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद भी गंगा अभी भी पॉल्यूटेड है, तो क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो क्वेश्चन किया जाता है। तो ये फंडिंग भी जो है तो सेंट्रल स्टेट फंडिंग होती थी इनिशियली 50-50 था, फिर ये 100% सेंट्रली फंडेड बना, फिर 70-30 था, 70 सेंट्रल इन्वेस्टमेंट 30 स्टेट इन्वेस्टमेंट, और जो नमामि गंगे अभी प्रोग्राम है वो कंप्लीट 100% सेंट्रली फंडेड है। तो ये 1985 से प्रोग्राम्स तो इनिशिएट हो चुके हैं। इवन नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है वो प्रीवियस स्कीम का ही अथॉरिटी है, और ये नमामि गंगे में भी ये नोडल अथॉरिटी है जो इसमें फंक्शन करती है। तो ये रिगार्डिंग गंगा रिवर है। तो जो स्टेप्स ले सकते हैं फॉर क्लीनिंग रिवर गंगा जो नमामि गंगे में भी प्रोग्राम में है प्रोविजंस, वो है एक तो सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हमने ये भी देखा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होने चाहिए, तो कितना सीवेज जनरेट होता है और कितना ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ पे कैसे होना चाहिए, तो साइंटिफिकली डिसाइडेड होना चाहिए, रैशनल डिसीजन होना चाहिए कि कितना सीवेज है, कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए प्लांट की। तो वो उसमें भी लैक्यूने आया था, उसमें भी मिसमैच आया था, जिसकी वजह से एनजीटी ने इस पे भी क्वेश्चंस रेज किए थे, तो वो भी न्यूज में हमने काफी बार डिस्कस किया। तो एक तो सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, रिवर फ्रंट मैनेजमेंट होना चाहिए ताकि पॉल्यूशन ना हो, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि इंडस्ट्रीज पास ना हो, उनको दूर किया जाए फ्रॉम द रिवर गंगा, और इवन वहां से जो पॉल्यूशन ड्रेन आउट होता है तो वो ट्रीटमेंट सीवेज ट्रीट होके फिर ड्रेन आउट हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, अविरल गंगा मतलब क्लीनलीनेस ऑफ गंगा के लिए इनिशिएटिव्स लेना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करे इस पे, गंगा टास्क फोर्स एस्टेब्लिश किया गया है, मतलब पर्सनल इन्वॉल्व है यहाँ पे, लोग इन्वॉल्व है, टास्क फोर्स है तो वो देखती है कि यहाँ पे गंगा क्लीन रहे, तो टास्क फोर्स भी उसके लिए एस्टेब्लिश किया गया है। अवेयरनेस जरूरी है कि लोगों को अवेयरनेस हो कि पॉल्यूशन होता है, ये स्टेप्स ना लिए जाए अलॉन्ग रिवर गंगा। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए इनिशिएटिव्स लेनी है, तो ये जो अभी का आर्टिकल था वही एक डॉल्फिन और ये एक्वेटिक एनिमल्स पे, तो उनके कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे है। और ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर, तो ये स्टडी सर्वेज ये करती है, तो फिलहाल भी ये सर्वे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करेगी एक्वेटिक एनिमल्स पे इन गंगा रिवर। अगला न्यूज आइटम है जलयुक्त शिविर योजना अनसस्टेनेबल से स्टडी। तो ये जो योजना है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है फॉर ड्रॉट प्रूफिंग, मतलब के ड्रॉट सूखे से बचाने के लिए, तो इसके अंदर फार्म पॉन्ड्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, मतलब डिग किए जाते हैं, तो फार्म पॉन्ड्स जब खोले जाते हैं तो उनके लिए स्टेप्स होने चाहिए कि कहाँ वो एस्टैब्लिश किए जाए और कैसे एस्टैब्लिश किए जाए कि ये सस्टेनेबल रहे। तो फिलहाल जो स्टडी की जाए इसके योजना के ऊपर, और ये स्टडी हिवरगांव पवासा रीजन जो है यहाँ पे अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ किया गया, तो यहाँ पे ये देखा गया कि फार्म पॉन्ड्स बहुत सारे इंडिस्क्रिमिनेटली डिग किए जाते हैं, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है, जितने चाहिए फार्म पॉइंट्स डिग करो, तो इसके ऊपर ऑफकोर्स ग्राउंड वाटर रिसोर्स पे ऊपर बर्डन आता है और वो फिर सस्टेनेबल नहीं हो गए, तो ये अनसस्टेनेबल है वही यहाँ पे पॉइंट आउट किया जा रहा है। तो ये जो फार्म पॉइंट्स है इनको लो लाइंग एरियाज में खोदना चाहिए, डिग करना चाहिए, पर ये हायर रीजन्स में भी किया जाता है वो हाईलाइट किया गया है। इवन जो यहाँ पे फार्म पॉइंट्स जो बनाए जाते हैं तो उसके अंदर इनलेट्स आउटलेट्स होने चाहिए, तो इवन स्कीम में भी ये मेंशन्ड है कि इनलेट्स और आउटलेट्स होने चाहिए, पर वो इनफ्लो आउटफ्लो नहीं है, तो मतलब ग्राउंड वाटर कंटिन्यूटी वो मेंटेन नहीं की जाती, तो फार्म पॉइंट्स वो सस्टेनेबल नहीं हो गए। प्लस ऑल्सो ये फार्म पॉइंट्स इतने डीप डिग किए जाते हैं कि रॉक आ जाता है, रॉक लेयर आ जाता है, तो सॉइल कंजर्वेशन भी इंपॉर्टेंट है, अगर सॉइल नहीं होगा तो ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज कैसे होगा, तो ग्राउंड वाटर परकोलेट नहीं होगा तो ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज नहीं होगा, तो ये फार्म पॉइंट्स फिर ऐसे सिर्फ वाटर स्टोरेज टेम्पररी स्टोरेज इनिशिएटिव्स हो जाएंगे। तो ये सब देखना भी जरूरी है कि फार्म पॉइंट्स डिग किए जाए पर उनको सस्टेनेबल भी रखा जाए, तो वो प्रोविजंस भी इंपॉर्टेंट है कि एंश्योर करने चाहिए, तो उसके ऊपर ये पूरा स्टडी था कि ये ध्यान नहीं दिया जा रहा है इस पर, इसकी वजह से ये पूरा स्कीम जो है वो बैकफायर करेगा।
इवन ये हिवर गांव में, यहाँ पे एक्चुअली ड्रॉट रीजन है ये। ड्रॉट रीजन में यहाँ पे जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स ग्रो किए जाते थे वो थे हॉर्स ग्राम, वीट, पल्सेस, ऑनियन। और अब यहाँ पे क्योंकि फार्म पॉइंट एस्टेब्लिश किए गए तो फार्मर्स अभी हॉर्टिकल्चर के लिए जा रहे हैं, तो हॉर्टिकल्चर में काश कैश क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, तो उसमें ज्यादा पानी की जरूरत है, तो पूरा वो सस्टेनेबिलिटी और अफेक्ट होगी इससे अगर फार्म पॉइंट्स पे इतना डिपेंडेंट हो गया और फार्म पॉइंट्स भी सस्टेनेबल नहीं हो गए तो उसके ऊपर ये पूरा आर्टिकल है कि काफी सारे फार्म पॉइंट्स बिल्ड किए गए अंडर द नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। ये JSY प्रेजेंट जो योजना है वो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर भी इनिशिएटिव्स लिए गए। इवन MGNREGA स्कीम में भी जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है तो काफी सारे फार्म पॉइंट्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं इसके अंदर भी। तो ये सब फार्म पॉइंट्स तो कंस्ट्रक्ट किए गए पर उनकी सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान नहीं दिया गया। अगला न्यूज आइटम है ड्राई कोलेरू टर्न्स बर्ड्स अवे। तो ये है कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश में, ये फ्रेश वाटर लेक है। तो यहाँ पे अब समर में यहाँ थोड़े पोर्शंस इसके ड्राई अप हो रहे हैं, तो इस वजह से जो यहाँ बर्ड्स आते हैं वो भी विंटरिंग सीजन में आते हैं, तो वो स्पेशली ये स्पॉट बिल्ड पेलिकन्स है, पेंटेड स्टॉक्स है, तो ये बर्ड्स का भी पॉपुलेशन ही अफेक्ट होगा, लोगों को अफेक्ट होगा बिकॉज इट्स अ ड्रॉट लाइक सिचुएशन नाउ। तो वो इस बारे में है। पुलिकट लेक ये भी आंध्र प्रदेश में है, ये ब्रैकिश वाटर लेक है, तो यहाँ पे भी थोड़े पेलिकन्स यहाँ पाए जाते हैं, तो ये रीजन अफेक्ट हो रहे हैं अभी। कोलेरू लेक में ये अतापका बर्ड सेंचुरी भी है, तो ये लास्ट ईयर यहाँ पे काफी सारे ग्रे पेलिकन्स आए थे। इट्स कॉल्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट हैबिटेट्स ऑफ ग्रे पेलिकन्स इन द वर्ल्ड, तो ये भी इस साल अफेक्ट होगा क्योंकि ड्राइंग अप हो रहा है। फिर अगला न्यूज आइटम है इंडिया रन्स आउट ऑफ लाइफ सेविंग HIV ड्रग फॉर चिल्ड्रन। तो ये जो चिल्ड्रन लिविंग विद HIV है उन्होंने एक डेस्परेट लेटर लिखा है टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो वो कह रहे हैं कि जो ये लाइफ सेविंग HIV ड्रग है इसका नाम है लोपिनावेर, तो ये लोपिनावेर सिर्फ चाइल्ड फ्रेंडली ड्रग है। तो ये सिप्ला जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है ये सोल मैन्युफैक्चरर है इंडिया में और फिलहाल ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। तो इसका रीजन ये है कि सिप्ला ने इसका प्रोडक्शन स्टॉप कर दिया है क्योंकि गवर्नमेंट इनको ड्यूज पे नहीं कर रही है। तो 2014 का जो कंसाइनमेंट सिप्ला ने दिया था उसके लिए भी अभी तक पेमेंट नहीं किया है हेल्थ मिनिस्ट्री ने, तो इस रीजन की वजह से उन्होंने ये स्टेज स्टेप लिया है। तो ये लोगों को अफेक्ट कर रहा है अभी। तो नाको ने काफी टाइम कन्विंस करने की कोशिश की कंपनी को कि वो पार्टिसिपेट करे जो अभी बिड जाते हैं एनुअली, लेकिन वो नहीं कर रहे क्योंकि पुराना ही क्लियरेंस नहीं हुआ है अब तक ड्यूज का। तो इस क्राइसिस की वजह से अब हेल्थ मिनिस्टर ने तब ये भी कहा कि आप फिर लोकल मार्केट से ये सोर्स करो मेडिसिन, पर सिंस सिप्ला सोल मैन्युफैक्चरर है और प्रोडक्शन ही नहीं है उसका तो वो रिटेल मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है। तो ये क्रिटिकल शॉर्टेज अब आ रहा है। इवन इंटरनेशनल NGO से भी डिस्कशन किया गया पर दे आर नॉट रेडी टू टेक द बर्डन और हेल्थ मिनिस्ट्री भी इसमें से कोई अब तक सोल्यूशन नहीं निकला। तो अब ये लेटर प्राइम मिनिस्टर को गया है टू टेक एक्शन ऑन दिस मैटर। तो देखेंगे आगे इस पे क्या स्टेप्स लिए जाते हैं। अगला न्यूज आइटम है आधार डेटा नॉट मिसयूज्ड, UIDAI। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI जो ये नोडल अथॉरिटी है आधार के लिए, उन्होंने कहा है कि आधार डेटा मिसयूज नहीं होता है, ये पूरा इसमें बायोमेट्रिक जो इन्फॉर्मेशन है उसको सेफ एंड सिक्योर रखा जाता है। इसके लिए सारे जो एन्यूमरेशन टेक्निक्स चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करके इसको ऑथेंटिकेट किया जाता है और इसकी सिक्योरिटी एंश्योर की जाती है। तो पिछले 7 सालों में भी कोई मेजर इंसिडेंट नहीं रिपोर्ट हुआ है। रिसेंटली एक ब्रीच ऑफ आधार डेटा का इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था और UIDAI ने 3 फर्म्स को नोटिस भी भेजा था कि अनऑथराइज्ड ऑथेंटिकेशन हो रहा है, तो ये वो लोग अटेम्प्ट कर रहे थे बायोमेट्रिक डेटा स्टोर करने का। तो एक्चुअली ये क्रिमिनल ऑफेंस है अगर अनऑथराइज्ड ऑथेंटिकेशन हो रहा है या स्टोरेज हो रहा है, तो ये सारा एक्चुअली प्रोसिक्यूटेबल है अंडर दी आधार एक्ट जो अभी रिसेंटली पास हुआ है। तो ये केस वो कह रहे कि वन ऑफ इंसिडेंट है, जनरली ऐसे कोई इंसिडेंट्स नहीं है क्योंकि मेजर कंसर्न है कि इतना सारा बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है, अराउंड 111 करोड़ पॉपुलेशन इंडिया का है जिन्होंने आधार में रजिस्टर कर दिया, तो 99% से ज्यादा इंडिया का पॉपुलेशन है और इसमें से कई लोगों ने इवन आधार यूज करके बैंक अकाउंट्स भी ओपन किए, तो आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट्स है अराउंड 4.47 करोड़ पॉपुलेशन के। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन और ये ट्रांजेक्शन सिक्योर होना चाहिए वो काफी जरूरी है। तो वही UIDAI कह रही है कि हम वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं ट्रांसमिशन और स्टोरेज के लिए और इसको हम कंटिन्यूअसली अपडेट करते रहते हैं, सिक्योरिटी ऑडिट्स करते हैं, तो कोई अनऑथराइज ट्रांजेक्शन होने के चांसेस बहुत कम है। तो वो अश्योर कर रहे हैं लोगों को कि कोई कंसर्न नहीं होगा।
और आधार से बेनिफिट है, काफी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इनिशिएटिव्स लिए गवर्नमेंट ने। एलपीजी सब्सिडी पहल स्कीम के अंदर डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होता है, एमजीएनआरईजीएस पेमेंट्स भी डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर होता है, स्कॉलरशिप स्कीम्स पेंशन स्कीम्स को भी इसमें लाया जा रहा है। तो जब ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा तो गवर्नमेंट के लिए काफी सारे सेविंग्स होती है, क्योंकि गवर्नमेंट को वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, लीकेजेस नहीं होते, डायरेक्ट बेनिफिशियरीज रिकॉग्नाइज होते हैं और उनको ही पहुंचता है पैसा। तो इससे गवर्नमेंट ने 2 साल में भी 2 ढाई साल में 49,000 करोड़ की सेविंग की है। तो ये आधार के बेनिफिट्स है। अगला न्यूज आइटम है कोलंबो नॉट टू अलाउ फॉरेन जजेस। तो ये श्रीलंका के बारे में हम थोड़े दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, यूएन ने भी उनके ऊपर कंसर्न रेस किया है कि क्योंकि इस वॉर क्राइम्स के लिए अब तक जस्टिस नहीं हुई है, पीस स्टेबिलिटी लॉन्ग लास्टिंग होगी कि नहीं वो क्वेश्चनेबल है अभी। तो इसके ऊपर उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि हाइब्रिड कोर्ट्स को वॉर क्रिमिनल्स को ट्राई करने के लिए। तो वॉर क्राइम्स हुए हैं फ्रॉम बोथ साइड्स, एलटीटी की साइड से भी और सोल्जर्स ऑन दी श्रीलंकन आर्मी साइड पे भी। तो हाइब्रिड कोर्ट जो हो गए मतलब के कोर्ट जिसके अंदर जजेस लोकल जजेस भी हो और इंटरनेशनल जजेस भी हो, फॉरेन जजेस भी हो। तो ये कोर्ट्स हाइब्रिड कोर्ट्स का सजेशन यूएन ने भी दिया है, इवन एक कमेटी जो श्रीलंका ने इंटरनली सेटअप की थी उन्होंने भी कहा था कि हाइब्रिड कोर्ट्स हो गए तो लोगों को अश्योरेंस होगा कि जस्टिस हो रहा है, अदरवाइज दे वुड फील कि उनके उनको जस्टिस नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये जरूरी है इम्पार्शियल जस्टिस के लिए। लेकिन श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने अभी कहा है कि कोई हाइब्रिड जजेस इंटरनेशनल जजेस को अलाव नहीं किया जाएगा इन्वेस्टिगेट करने को, कोई श्रीलंकन सोल्जर को प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट आया है, तो मतलब सोल्जर्स अगर वॉर क्राइम्स भी करते हैं तो उनके ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, ये एश्योरेंस दिया जा रहा है मतलब। तो ये इंडिया में भी जैसे कंसर्न है आफ्सपा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स है, तो आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर्स दिए जाते हैं और उनका प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता जब तक कि गवर्नमेंट उसके लिए परमिशन ना दे, तो उनको एक्चुअली पूरा इम्यूनिटी होती है। तो उस वजह से उनको इतना पावरफुल हो जाते हैं वो कि अगर वो क्राइम्स भी कंडक्ट करते तो उनके ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होता। तो सिमिलर कंसर्न यहाँ भी आ रहा है। अगला न्यूज आइटम है स्मॉल बिजनेसेस लॉबी फॉर रूल्स टू इंक्रीज लिक्विडिटी। तो ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, इनका भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग इनिशिएट हुआ है। तो ये इसका सेपरेट सेगमेंट एस्टेब्लिश किया गया एसएमईज का। तो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उन्होंने ये सेपरेट एसएमई प्लेटफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए 2012 में। तो 5 साल हो चुके हैं, तो ये काफी सारे एसएमईज यहाँ पे लिस्ट हो चुके हैं। तो अब ये डिमांड कर रहे हैं कि इनके लिए मिनिमम लॉट साइज है, मिनिमम ट्रेडिंग लॉट साइज। तो ये मतलब मिनिमम अमाउंट जो एक इन्वेस्टर को डालना चाहिए और एक कंपनी के शेयर में। तो ये फॉर एसएमईज ये 1 लाख रुपीज है, मतलब इतना अमाउंट उनको मिनिमम डालना होगा। तो ये एक्चुअली सेबी कहते हैं हमने इंटेंशनली रखा है ताकि यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं इन्वेस्ट कर पाएंगे, मतलब 1 लाख अमाउंट उनको इसमें डालना होगा। तो रिटेल इन्वेस्टर्स ऑफकोर्स डिस्करेज हो गए, तो इसलिए अभी एसएमईज चाहती है कि उनको ज्यादा लिक्विडिटी मिले, उनको ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिले, इसके लिए ये लिमिट को हटाना चाहिए। पर सेबी इसके लिए अभी भी रिलक्टेंट है, वो कहती है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को जानबूझ के इससे दूर रखा गया ताकि वो इसमें इन्वेस्टमेंट इसलिए शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए ना करे, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही यहाँ पे आए, मिनिमम इतना अमाउंट उनको डालना होगा ऐसे है। तो अब वही है कि रिकन्सिडर किया जाएगा सेबी, क्योंकि एसएमईज चाहती है कि अगर लिमिट नहीं होगी तो फिर उनको ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिलेगा, ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स से भी बेनिफिट मिलेगा। तो वही यहाँ पे उनका सजेशन है, डिमांड है। अगला न्यूज आइटम है सेंटर गिव्स नॉड टू सेल 3 सेल प्लांट्स। तो ये सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के 3 प्लांट्स है। तो ये असलॉय स्टील प्लांट, सलेम स्टील प्लांट और विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट, इनको सेल किया जाएगा। तो सेल जो है सेल किया जाएगा मतलब SALE सेल किया जाएगा, और सेल SAIL ये महारत्ना PSU है। तो महारत्ना PSU क्या होता है वो भी हम देखेंगे। तो इसके अंदर सेल में सेंट्रल गवर्नमेंट का 75% स्टेक है। तो अब उन्होंने प्लान किया है, इवन जो ये लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है इंडिया का सेल, और गवर्नमेंट ने इस साल भी बजट रखा है कि 15,000 करोड़ वो रेस करेंगे, मतलब उनको डिस इन्वेस्टमेंट से इतना अमाउंट रेस करना है। तो ये डिस इन्वेस्टमेंट का इनिशिएटिव यहाँ पे भी लिया गया है। तो स्ट्रैटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, स्ट्रैटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो स्ट्रैटेजिक का मतलब है कि गवर्नमेंट का जो स्टेक है वो 50% से कम हो जाए, तो उसको स्ट्रैटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो मेजर स्टेक होल्डर वो नहीं होगी गवर्नमेंट ऐसे। तो ये है महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न और 2 कैटेगरीज है उनकी। तो ये ऑन दैट स्केल है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है कि कितना एनुअल नेट प्रॉफिट होना चाहिए या वगैरह, एनुअल
एवरेज एनुअल नेट वर्थ कितना हो, तो वो ये इसके लिए एलिजिबल होते हैं कि भारत अपना स्टेटस उन पीएसयूज को मिलेगा। तो ये सारे स्टेटस है पीएसयूज के, और ये एलिजिबल होते हैं अगर वो, तो उनको बेनिफिट्स मिलते हैं। और बेनिफिट्स क्या होते हैं इन्वेस्टमेंट में, कि उनको फ्रीडम होती है डिसाइड करने के लिए अपना इन्वेस्टमेंट अप टू 15% ऑफ देयर नेट वर्थ, और जो ये लिमिट दिया गया है, तो ऐसे उनके लिए सेपरेटली एलिजिबिलिटीज भी बेनिफिट्स भी है। तो फिलहाल कंट्री में जो महारत्नाज है, सेल है, अभी हमने देखा इसके बारे में न्यूज है, सेल कोल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी, ओएनजीसी, गेल, भेल, ये सारे यहाँ पे जो है ये महारत्न पीएसयूज है कंट्री के। अगला न्यूज आइटम है पॉलिसी ड्रैग्स ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स। तो ई कॉमर्स यूज करके एक्सपोर्ट्स भी किए जा सकते हैं, मतलब ऑनलाइन जो ट्रेडिंग होती है, ऑनलाइन गुड्स परचेज किए जाते हैं जो, तो अगर ई कॉमर्स वेबसाइट जो इंडिया में है या जो ई बे है, अमेरिकन मल्टीनेशनल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, वहां पे भी काफी सारे इंडियन कंपनीज रजिस्टर्ड है, तो ये ई कॉमर्स वेबसाइट्स अपने गुड्स भेज सकते हैं टू आउटसाइड इंडिया, टू फॉरेन कंट्रीज में, तो ये एक्सपोर्ट हो जाता है फिर। तो ई कॉमर्स एक्सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, पॉलिसी इनिशिएट किया है। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 के में ये मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम है, तो ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स के लिए इंसेंटिव्स है, पर ये स्कीम सिर्फ थोड़े लिमिटेड गुड्स के लिए है, लो वैल्यू गुड्स के लिए, जैसे कि हैंडलूम प्रोडक्ट्स, बुक्स, लेदर, फुटवेयर, टॉयज एक्सेट्रा, फैशन गार्मेंट्स के लिए। तो ये अभी यहाँ पे लोग जो इंडस्ट्री है वो चाहती है कि यहाँ पे ई कॉमर्स एक्सपोर्ट में बाकी गुड्स भी इंक्लूड किए जाए, और फ्री ऑन बोर्ड के लिए वैल्यू जो है अप टू 25,000 है पर कंसाइनमेंट। तो ये 25,000 से ज्यादा होगा तो उनको फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू नहीं मिलती, तो ये फ्री ऑन बोर्ड उनको चाहिए कि ज्यादा लिमिट हो इसके लिए, एटलीस्ट 5 लाख का लिमिट हो इसके लिए, वो ये इंसेंटिव्स चाहते हैं। प्लस वो चाहते हैं कि जो अभी फिलहाल जो है मेजर डिसइंसेंटिव ये है कि जब बायर प्रोडक्ट को वापस भेजता है ई कॉमर्स के पास, ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है उसको, तो ये आइटम जब इंडिया में वापस आती है तो इसको इम्पोर्ट समझा जाता है और इसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी चार्ज की जाती है, तो ये मेजर डिसइंसेंटिव है। तो वो चाहते हैं कि इसके ऊपर प्रोविजन आए कि ये ऐसे इम्पोर्ट ड्यूटी इनके ऊपर चार्ज नहीं की जाए। और दूसरा एक उनका कंसर्न वो है कि कमर्शियल कुरियर जब ये भेजे जाते हैं तो उनको सैंपल्स और गिफ्ट्स समझ के टैग किया जाता है, कमर्शियल शिपमेंट में टैग नहीं किया जाता। तो ये एक्चुअली होना चाहिए फॉर ई कॉमर्स एक्सपोर्टर्स, क्योंकि अगर वो कमर्शियल शिपमेंट नहीं होती तो उनको ये जो रिसीप्ट मिलती है सैंपल्स गिफ्ट्स की, वो वैट और ये सेल्स टैक्स सर्विस टैक्स के लिए ये रिकोगनाइज नहीं की जाती और उनको रिफंड नहीं मिलता है उस पर टैक्सेशन का। तो वैट में जैसे हमने डिस्कस किया है कल भी कि रिफंड आता है, तो वो रिफंड इसको इनको इन कमोडिटीज के लिए नहीं मिलता जो जो ये एक्सपोर्ट की जा रही है। तो ये भी वो चाहते हैं कि इसके ऊपर भी स्टेप्स लिए जाए। तो ई कॉमर्स काफी डेवलप हो रहा है इंडिया में भी, 25,000 इंडियन कंपनीज है जो ई कॉमर्स जायंट ई बे पे रजिस्टर्ड है, प्लस इवन 2 लाख कंपनीज है जो इंडियन B2C एक्सपोर्टर्स है, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर एक्सपोर्टर्स है, खुद की उनकी खुद की वेबसाइट से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है। तो यहाँ पे ई कॉमर्स काफी ग्रो हो रहा है, इवन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि ई कॉमर्स ग्लोबली अभी $22 trillion वर्थ है और ये फास्टेस्ट ग्रोइंग है, और स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज इमर्जिंग इकोनॉमीज में फास्टेस्ट ग्रोइंग है। तो ये काफी पोटेंशियल है यहाँ पे और स्टेप्स गवर्नमेंट को लेने चाहिए इनको प्रमोट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। अगला न्यूज आइटम है लॉ एनफोर्समेंट इन द डिजिटल एरा। तो ये डीमोनेटाइजेशन के बाद जो डिजिटल इकोनॉमी के लिए पुश आया है उसकी वजह से साइबर क्राइम्स इंक्रीज होने के भी हाई पोटेंशियल रिस्क है। तो ये साइबर क्राइम्स एनीवे इंडिया में ग्रो हो रहे हैं, अगर आप 2011 टू 2014 में देखो तो ये एसोचैम स्टडी कह रही है कि 300% इंक्रीज हुआ है साइबर क्राइम्स इंडिया में। तो इसके लिए इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है सर्ट इन, जो नेशनल एजेंसी है साइबर सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए। तो साइबर सिक्योरिटी के लिए स्टेप्स लेने के लिए गवर्नमेंट को काफी इन्वेस्टमेंट करना होगा, एम्प्लॉयमेंट करना होगा, जो काफी डिफिकल्ट है प्रैक्टिकली स्पीकिंग। तो इसलिए यहाँ पे एक सजेशन है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूज करना चाहिए टू टैकल साइबर क्राइम, मतलब के प्राइवेट सेक्टर को भी रोप इन करना चाहिए बाय द गवर्नमेंट। तो ये नास्कॉम के अफिलिएटेड ये है डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, तो इन्होंने काफी सारे सिटीज में साइबर लैब्स एस्टैब्लिश किए ट्रेनिंग के लिए। तो ये मॉडल को और एनहांस करना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर को भी रोपिंग करना चाहिए ताकि साइबर क्राइम्स को इफेक्टिवली टैकल किया जा सके कंट्री में, तो वो एक सजेशन है। लास्ट न्यूज आइटम है स्ट्रगल टू फाइट अल्ट्रा रेयर डिजीजेस मेड मोर डिफिकल्ट। तो
तो ये है लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स, एलएसडीज। तो ये एलएसडीज एक रेयर डिजीज है, अल्ट्रा रेयर डिजीजेज है। तो ये डिजीज अम्ब्रेला डिजीज है, इसके अंदर अराउंड 45 to 50 अलग अलग डिजीजेज होती है। इनमें से जो मोस्ट कॉमन है वो है गॉशर्स डिजीज, इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एलएसडीज। तो ये जेनेटिक कंडीशन भी होता है गॉशर्स डिजीज एक्चुअली, तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो इसमें बच्चे सफर करते मेजरली, और ये डिसऑर्डर्स की जनरली काफी सारे डिसऑर्डर्स के तो ट्रीटमेंट भी नहीं है, और जिसके ट्रीटमेंट से उनकी मेडिसिन काफी कॉस्टली है और वो लाइफ लॉन्ग लेनी होती है, और इनका पर मंथ कॉस्ट भी एटलीस्ट 5 lakh rupees ऐसे होता है, इससे ज्यादा होता है एक्चुअली। तो वही यहाँ पे कंसर्न है। तो ये दिल्ली में भी यहाँ पे 23 रजिस्टर्ड पेशेंट्स है जिनको डायग्नोस किया गया इन अल्ट्रा रेयर डिजीजेस से। तो इसके लिए क्या स्टेप्स लिए जाए वो एक क्वेश्चन है। तो यहाँ ट्रीटमेंट है इनके लिए एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो एंजाइम एक्चुअली ये जो डिजीज होती है गॉशर्स डिजीज, तो इसमें एक्चुअली एक एंजाइम जो होता है वो फंक्शन इनफ नहीं होता है, तो वो इसकी वजह से जो ये जो लाइसोसोम है, पहले वही हमको समझना होगा कि लाइसोसोम जो है वो सेल्स में होता है। तो ये जो अनयूज्ड पार्ट है उसको ब्रेक डाउन करता है, तो अनयूज्ड जो डिपॉजिट्स वगैरह जो आते हैं इसमें, तो वो ब्रेक डाउन होने के लिए एंजाइम्स लगते हैं। तो जब ये एंजाइम जो गॉशर्स डिजीज भी जो है ये मोस्ट कॉमन, इसके अंदर जो एंजाइम फैट मॉलिक्यूल्स को थोड़े टाइप फैट मॉलिक्यूल के थोड़े टाइप्स को ब्रेक डाउन करने के लिए जो जरूरी है वो नहीं होती, तो इस वजह से फैट अनडाइजेस्टेड रहता है और ये बिल्डअप हो जाता है। तो ये फैट बिल्डअप की वजह से फैटी डिपॉजिट्स हो जाते हैं ऑर्गन्स में, बोन्स में। तो ये लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो में जब फैट डिपॉजिट्स हो जाते हैं तो वो एक्चुअली तकलीफ देते हैं। तो इसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो ये मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, इंडिया में अवेलेबल है। सिर्फ कंसर्न ये है कि ट्रीटमेंट का कॉस्ट काफी ज्यादा है, अनअफोर्डेबल हो जाता है। तो ये उस बारे में है लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस। तो ये लाइसोसोम्स आर सैक्स ऑफ एंजाइम्स है, तो एंजाइम्स जो डाइजेस्ट करते हैं लार्जर मॉलिक्यूल्स को, रिसाइकल किया जाता है एक्चुअली उनको। तो वो इस बारे में ये वगैरह डिजीजेस जो है एलएसडीज के अंदर मेजर डिजीजेस वो लिस्ट आउट है। कॉस्ट जो है वो मेन कंसर्न है, और ऑफकोर्स अर्ली डायग्नोसिस भी नहीं होता है क्योंकि अल्ट्रा रेयर डिजीजेस है, काफी जेनेटिक है, तो लाइफ लॉन्ग उनको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। ये लाइसोसोम्स है, तो ये गार्बेज डिस्पोजल्स होते हैं सेल्स में, तो ये डाइजेस्ट कर लेते हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, सेल्यूलर वेस्ट प्रोडक्ट, और रिसाइकल करते हैं। तो ये है, तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।